आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर, तो उत्तराखंड में कोरोना के 4,492 नए मामले सामने आए, जबकि 110 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 7,333 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 292, बागेश्वर में 83, चमोली में 363, चंपावत में 243, देहरादून में 874, हरिद्वार में 548, नैनीताल में 621, पौड़ी में 356, पिथौरागढ़ में 85, रुद्रप्रयाग में 318, टिहरी में 169, उधम सिंह नगर में 341 और उत्तरकाशी में 199 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में 110 कोविड संक्रमितों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक कोविड के कुल 3,282 मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से लुढ़का पारा। तो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बुधवार को दिन भर रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी होती रही। वहीं मैदानी इलाकों में कई जगह जमकर बारिश हुई। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब समेत ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हुई। फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, लाल माटी सहित नीति और माणा घाटियों में बर्फबारी हुई। कोरोना से उबरे लोगों को टीका 3 माह बाद दूध पिलाने वाली माताओं को मिली अनुमति। तो कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोग अब 3 महीने बाद ही टीका लगवा सकेंगे। वहीं जो माताएं नवजात शिशु को दूध पिला रही हैं, वे भी अब कोरोना टीकाकरण में शामिल हो सकती हैं। चिंताजनक, एक दिन में रिकॉर्ड 4,529 मौतें, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा। तो देश में एक दिन में रिकॉर्ड 4,529 लोगों की मौत के बाद संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर के 2,83,248 हो गई है। उत्तराखंड में 47 हुए ब्लैक फंगस के मामले। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा 47 पहुंच गया है। एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के 12 नए मामले सामने आए। इसके बाद संस्थान में पहुंचे ब्लैक फंगस संक्रमितों की संख्या 42 हो गई, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है जबकि 1 ठीक हो चुका है। अरब सागर में 620 को बचाया, 26 की मौत। तो ताउते चक्रवाती तूफान के भंवर में अरब सागर में फंसे 4 बार्ज यानी जहाजों पर सवार 695 लोगों में से 620 लोगों को बचाकर नौसेना ने नई जिंदगी दी। वहीं ONGC के बार्ज P-305 में सवार 26 लोगों के शव भी बरामद हुए हैं। 49 लोग अब भी लापता हैं। यह जहाज मंगलवार सुबह समुद्र में डूब गया था। गुजरात को 1,000 करोड़। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ताउते तूफान से हुई तबाही से राहत के लिए गुजरात को 1,000 करोड़ रुपए की तत्काल मदद देने की घोषणा की है। 24 घंटे में ही मीडिया सलाहकार की नियुक्ति रद्द। तो शासन ने मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार की नियुक्ति का आदेश रद्द कर दिया। इस पद पर पत्रकार दिनेश मानसेरा की नियुक्ति की गई थी। इससे पहले कि वह कार्यभार ग्रहण करते, बेहद नाटकीय ढंग से उनकी नियुक्ति का आदेश निरस्त कर दिया गया। आयुर्वेदिक अस्पतालों में लगेंगे 3,000 बेड। तो कोरोना मरीजों के उपचार के लिए प्रदेश में 300 आयुर्वेदिक अस्पताल दिन रात खुले रहेंगे। प्रत्येक अस्पतालों में 5 ऑक्सीजन बेड और 5 सामान्य बेड होंगे। कोविड कर्फ्यू सख्ती के मामले में सरकार से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। तो हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगाने के मामले में देहरादून बार एसोसिएशन के पत्र पर जनहित याचिका के रूप में संज्ञान लेते हुए सरकार को 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बगैर मर्जी नारी निकेतन में नहीं रखी जा सकती युति। तो हाईकोर्ट ने सिक्किम की युति को नारी निकेतन से छोड़ने संबंधी आवेदन का निस्तारण करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि युवती को उसकी मर्जी के बगैर नारी निकेतन में नहीं रखा जाना चाहिए। सेवानिवृत्त IAS शत्रुघ्न सिंह बने मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार। तो कार्यभार संभाला मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से की शिष्टाचार भेंट। कोरोना संक्रमण पर रोडवेज कर्मियों के इलाज का खर्च वहन करेगी राज्य सरकार। तो प्रदेश में अगर कोई भी रोडवेज कर्मचारी कोरोना संक्रमित होता है तो उसके इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। इसके अलावा अगर किसी कर्मचारी की कोरोना संक्रमण में मृत्यु होती है तो सरकार उसके परिजनों को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता देगी। निगम ने बुधवार को सभी मंडलीय प्रबंधकों और सहायक प्रबंधकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर में महिलाओं के मुकाबले 1.5 गुना से ज्यादा पुरुष संक्रमित हैं। तो महिलाएं कम संक्रमित। कोरोना की दूसरी लहर में महिलाओं के मुकाबले पुरुष 1.5 गुना से ज्यादा दर से संक्रमित हुए। 1 अप्रैल के बाद से संक्रमित होने वाले कुल मरीजों में पुरुषों का प्रतिशत 62% है, जबकि इस दौरान कुल 38% महिलाएं ही संक्रमित हुई। उत्तराखंड रिकवरी की दर में बुरी तरह पिछड़ा। तो अप्रैल शुरुआत से कोरोना को मात देने के मामले में
चोटी के राज्यों में शामिल उत्तराखंड अब रिकवरी के मामले में देश की सूची में आखिरी दो पायदान पर पहुंच गया है। उत्तराखंड से पीछे अब केवल सिक्किम है। अभी प्रदेश में रिकवरी रेट 70.3 है, जो सिक्किम से महज 0.2 ही ज़्यादा है। राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से रिकवरी रेट में मामूली सुधार आया। देश में कोरोना से रिकवरी के मामले में केंद्र शासित अंडमान निकोबार पहले स्थान पर है। यहां कोरोना से जंग जीतने वालों की दर 95.3% है। दूसरी लहर ने रोजगार को दिया दूसरा झटका। तो कोरोना की दूसरी लहर ने रोजगार के मोर्चे पर करारा झटका दिया है। यह चुनौती ऐसे समय में आई है जब पहली लहर की मुश्किलों से बाहर निकलने की कोशिश में कंपनियों ने भर्तियों की रफ्तार तेज की थी। नेपाल में भूकंप से दर्जनों मकान ध्वस्त हो गए हैं। देहरादून में बारिश से 13 डिग्री तक गिरा तापमान। तो गोवा मुंबई के बाद गुजरात के तटों से होता हुआ तौकते का असर उत्तर और पूर्व में भी देखा गया। इसके असर से राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन भर बारिश होती रही। बारिश के चलते दून का तापमान पिछले 24 घंटे में 13 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। कार्ड होकर भी नहीं मिल रहा मुफ्त राशन। तो सफ़ेद राशन कार्ड के कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें सरकार की ओर से दिया जा रहा मुफ्त राशन नहीं मिल पा रहा है। ये उपभोक्ता राशन कार्ड लेकर डीलरों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं, फिर भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जवाब दिया जा रहा है कि उनका कार्ड ऑनलाइन नहीं है। तौकते का असर दून में दिन भर हुई बारिश। साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को वैशाख पूर्णिमा पर। तो इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को लगेगा। इस दिन ग्रहण लगेगा उस दिन वैशाख पूर्णिमा है। पूरे भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। रस्किन बॉन्ड ने सादगी से मनाया जन्मदिन। तो अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड ने बुधवार को मसूरी में अपना 87वां जन्मदिन सादगी के साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर पर मनाया। बाइक की टक्कर में महिला की मौत। तो नालापानी चौक के समीप अनियंत्रित बाइक ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। महिला की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। कांग्रेसियों ने राजीव गांधी की याद में किया रक्तदान। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाया। शिविर में 106 लोग रक्तदान के लिए पहुंचे। वहीं खबर है देहरादून के पटेल नगर से शराब तस्करी में 4 को गिरफ्तार किया गया है। मदद न मिली तो सभी बसों के परमिट सरेंडर कर देंगे। तो सरकार से मदद नहीं मिलने के कारण परेशान है परिवहन कारोबारी। आर्थिक मदद और टैक्स माफी की कर रहे हैं मांग। कोरोना कर्फ्यू के दौरान घंटा घर पर जाम। तो कोरोना कर्फ्यू में बुधवार को सड़कों पर वाहनों की संख्या अधिक रही। वाहनों की संख्या में इजाफा होने पर पुलिस को चेकिंग में काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्मार्ट सिटी को 5 और इलेक्ट्रिक बसें मिली। तो दून में ट्रैफिक को स्मार्ट बनाने के लिए 5 इलेक्ट्रिक बसें मिल गई हैं। कर्फ्यू खुलने के बाद इनका रायपुर सेलाकोई रूट पर संचालन किया जाएगा। प्रेमनगर में कोविड सेंटर बनाने का विरोध। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने प्रेमनगर में सरकारी अस्पताल के 15 बेड का कोविड सेंटर बनाने का निर्णय लिया है, ताकि इस क्षेत्र में कोविड के गंभीर मरीजों का उपचार किया जा सके। कोविड सेंटर बनाने का कार्य अस्पताल में शुरू हो गया, हालांकि स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि कोविड सेंटर बन जाने के बाद अन्य मरीजों का उपचार यहाँ बंद कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के 32 ब्लॉकों में नहीं बट पाई दवा किट। तो कोविड का खतरा अब गांव में पहुंच गया है। सरकार ने इसके लिए प्रोफाइल ट्रीटमेंट के तहत घर घर आइवरमेक्टिन दवा वितरित करने का निर्णय लिया है, लेकिन प्रदेश के 32 ब्लॉक में अब तक दवा किट नहीं पहुंच पाई है। कर्णवाल को ग्रामीणों ने सुनाई खरी खोटी। तो झबरेड़ा के विधायक देशराज कर्णवाल को अपने ही विधानसभा क्षेत्र के गांव में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। विकास कार्य नहीं होने से नाराज लोगों ने विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई। झापू पेज पर मुख्यमंत्री की फोटो। तो फेसबुक पर झापू नाम से बनाए गए पेज की जांच पुलिस का साइबर सेल करेगा। इस पेज पर सीएम तीरथ सिंह रावत की फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएम की छवि बिगाड़ने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर 1 फरवरी से झापू नाम से पेज बना हुआ है। इससे पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की फोटो का इस्तेमाल किया गया था। बाद में सीएम बदलने पर वर्तमान सीएम तीरथ सिंह रावत की फोटो लगाई गई है। महज 3.5 महीने पहले बने पेज में 90,000 लोग जुड़ गए हैं।
कोरोना में बच्चों के टीकाकरण से कतरा रहे लोग, तो कोरोना काल में आम तौर पर लोग अस्पताल आने से झिझक रहे हैं। बच्चों को अस्पताल लाने को लेकर के इस मामले में अधिक संकोच देखा जा रहा है। हालांकि नगर में जागरूक अभिभावक बगैर नागा बच्चों को टीका लगा रहे हैं, लेकिन नगर में लगे गाँव में बच्चों के टीकाकरण को लेकर के अभिभावक अस्पताल आने में संकोच कर रहे हैं। रानीखेत से खबर आई है, विधायक करण महारा का FB अकाउंट हैक किया। तो कांग्रेस विधानमंडल दल के उपनेता और रानीखेत के विधायक करण महारा की फेसबुक आईडी हैक हो गई है। कर्फ्यू में जेब पर डाका डाल रहे ठग, तो खाते से निकाले 98,000 रुपये। तो एक व्यक्ति को साइबर ठगों ने फोन कर खुद को फोन पे का कस्टमर केयर अधिकारी बताया, विश्वास में लेकर के उसके खाते से सारी जानकारी हासिल कर ली। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सोल्जर क्लर्क सहित कई पदों पर मौका, तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिसर वेबसाइट में जाकर के 8 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्पेशलिस्ट व अन्य पदों पर साक्षात्कार, तो 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होगा। पूरी जानकारी ऑफिसर वेबसाइट पर ले सकते हैं। अंतिम तारीख नज़दीक, जल्द करें आवेदन। तो 1074 पदों पर भर्ती निकली हुई है जूनियर इंजीनियर, जूनियर मैनेजर के पदों पर, तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर व जूनियर रेजिडेंट के कई पद रिक्त, तो 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। माफ किए जाएं बिजली पानी के बिल, तो मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को उप जिलाधिकारी के माध्यम से 25 सूत्री मांग पत्र भेजा है। हिमालय में मधुमक्खी व भौरों की प्रजाति खतरे में, तो उत्तराखंड सहित 6 हिमालय राज्यों में पराग कीटों की प्रजाति पर चल रहा है शोध। पहाड़ों में दिन भर हुई बारिश, सहमे लोग। नारायण कोटी, उखी मठ व गुप्तकाशी में बनाए जाएंगे कोविड अस्पताल, तो DM ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। श्रीनगर टिहरी में 7 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। वहीं पोखरी में 3 गांव में 27 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। थराली में 13 लोग संक्रमित मिले हैं। आपदा से हुए नुकसान का करें सर्वे, तो कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किया भंगेली गांव का भ्रमण, अधिकारियों को निर्देश दिए। कुंभ में लापता चोरी को परिजनों से मिलाया, तो 1.5 माह बाद बेटे को पाकर खुश परिजनों ने पुलिस का जताया आभार। वही खबर आई है, रुद्रप्रयाग से माता पिता अस्पताल में, 2 बच्चे घर पर अकेले, तो दोनों बच्चे में हीमोफीलिया बीमारी से पीड़ित हैं। कोटद्वार से खबर आई है, प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी के विरोध में उतरे, तो यूथ कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी। सीतापुर समेत अलग अलग स्थानों पर धरना दिया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो कोविड अस्पतालों की मनमानी पर कसेगा शिकंजा, 24 अस्पतालों की सुविधाओं का उड़न दस्ते करेंगे भौतिक सत्यापन। गर्मी से मिली राहत, फसलों के लिए वरदान, तो शहर और देहात में दिन भर हुई रिमझिम बारिश। बेटे ने कोविड और मां ने बीमारी से तोड़ा दम, तो चमरिया गांव निवासी मां बेटे ने कभी सोचा भी नहीं था कि दोनों एक साथ दुनिया से अलविदा होंगे। लगता है ऊपर वाले को शायद यही मंजूर था। मां बेटे की एक ही दिन मौत से गांव में मातम छा गया है और दोनों की जलती चिताएं देख लोगों की आंखें नम हो गई। बेटे ने कोरोना और मां ने बीमारी के चलते दम तोड़ दिया। 5 दिन से टीकाकरण बंद होने से निराश लौट रहे हैं लोग। बैरागी संतों का धरना समाप्त, तो राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कैलाशानंद और रविंद्रपुरी के साथ संतों को पिलाया जूस। डकैती के मामले में पुलिस के हाथ खाली, तो परिवार को बंधक बनाकर हुई डकैती के मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की कई टीम घटना के खुलासे के लिए लगी हुई हैं। वही खबर है, हरिद्वार से पंपिंग स्टेशन से मोटर चोरी करने वाले दबोचे, तो सिविल पंपिंग स्टेशन से मोटर चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो कोरोना संक्रमण के लिहाज से नैनीताल जिला 4थे स्थान पर है। तो कोरोना की दूसरी लहर में 20 से 49 वर्ष की आयु सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। आंकड़ों में कोरोना से 516 मौतें, शमशान में 622 दर्ज,
तो 106 कोरोना संक्रमितों की मौत का राज दफन, स्वास्थ्य विभाग और निगम के आंकड़े में अंतर है। तो कोरोना से हो रही मौत की साफ तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। वजह यह है कि एसटीएच प्रशासन की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के आंकड़े और सेहत महकमे में एकत्र निजी अस्पतालों में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 516 है, जबकि शमशान पहुंचे शवों की संख्या 622 है। ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीज ने दम तोड़ा। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में बुधवार को ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीज की मौत हो गई। 25 मई तक शुरू होंगे 500 बेड का फैब्रिकेटेड अस्पताल। तो कोविड के प्रभारी मंत्री बंसीधर भगत ने मेडिकल कॉलेज में बन रहे 500 बेड के फैब्रिकेटेड अस्पताल का निरीक्षण किया। मई में चौमास जैसी बारिश से दुश्वारियां, तो तावते के चलते दोपहर में रुक रुक कर बारिश, 13 वर्षों में मई रहा सबसे ठंडा। वहीं खबर है, रामनगर से तमंचे के बल पर छुड़ा ले गए ट्रैक्टर ट्रॉली। दो युवतियों को नहीं मिली जमानत। तो नैनीताल से खबर आई है, जिला एवं सत्र न्यायालय राजेंद्र जोशी ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के दो मामले में आरोपी दो युवतियों की जमानत खारिज कर दी। उपनल कर्मियों की मांगों को चाहिए इलाज, तो काम छोड़कर धरने पर बैठे उपनल कर्मी शाम तक वेतन खाते में पहुंचने का आश्वासन मिलने पर माने। वहीं खबर है, हल्द्वानी से जसपुर खीमा में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना, 1200 प्राइवेट टीचरों के समक्ष आर्थिक संकट। युवाओं में जोश पर नहीं है डोज, तो प्रदेश में बंद होने की कगार में है टीकाकरण। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो पिथौरागढ़ में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो नालियों के बंद होने से सड़कों पर बह रहा गंदा पानी। फरार चरस तस्कर को खटीमा से दबोचा। तो चंपावत से खबर आई है, चरस तस्करी में एक फरार सजायाफ्ता को दबोचने में पुलिस को कामयाबी मिली है। ब्लैक फंगस से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क। तो पड़ोसी जिले पिथौरागढ़ में ब्लैक फंगस के मरीज मिलने से चंपावत जिले में दहशत है। वहीं खबर आई है, चंपावत से 2 किलोमीटर का सफर करने में लग रहे हैं 30 मिनट। तो श्रमदान से बनी नर्सिंग डांडा कालूखाड़ सड़क पर नहीं हो पाया डामीकरण। कोरोना की किट में नहीं है ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर। तो डीडी हाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को दी जा रही कोरोना किट में ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर नहीं है। दादी और पोती का सहारा बनी पिथौरागढ़ पुलिस। तो मिशन हौसला के तहत पुलिस ने डीडी हाट के लोहार गांव में असहाय दादी और पोती को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराया। कोरोना संक्रमण के गढ़ बन रहे गांवों में सुविधाएं न होने से बिगड़ रहे हालात। तो नेपाल सीमा से लगे तामली अस्पताल में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक कर रहा इलाज। तारबाड़ में फंसा तेंदुआ। तो तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत जमड़िया में एक तेंदुआ सड़क किनारे तारबाड़ में घंटों फंस गया। तड़के लोगों ने उसे उसकी दाह सुनने के बाद वन विभाग को सूचित किया। अच्छी खबर, 3 अस्पतालों में 143 संक्रमित जीत चुके हैं कोरोना की जंग। तो चंपावत से खबर आई है। वही खबर है, चंपावत से केबल कटने से लदिया में बीएसएनएल की सेवा ठप हो गई। पंत को 7 वर्ष की उम्र में मिल गया था पुरस्कार। तो 1960 में साहित्य अकादमी, 1969 में भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की जयंती आज है। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो वैक्सीन की आस में एक केंद्र से दूसरे केंद्र भटकते रहे लोग। तो 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन खत्म होने से परेशानियां बढ़ गई हैं। कोरोना से कंडक्टर की मौत, बसों का संचालन बंद कर दिया गया। तो रुद्रपुर से खबर आई है। गदरपुर से खबर आई है, बकेनिया गांव में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। होम आइसोलेट संक्रमित मरीजों को समय पर नहीं मिल रही है दवा। वही खबर है, रुद्रपुर से फर्जी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट से घुसपैठ की आशंका। तो राज्य में फर्जी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर लोगों की घुसपैठ की आशंका है।
वहीं खबर है रुद्रपुर से लूट की साजिश रच रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आंसू बन युवती से प्यार करने वाली भी युवती तो व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक फोटो भेजकर अपने कथित प्रेमिका का रिश्ता तोड़वाने वाली खुद युवती निकली, लेकिन युवती के मंगेतर के गले यह बात नहीं उतरी और तय तिथि पर वह बारात लेकर नहीं पहुंचा। अब कहीं जाकर आरोपी का आयुष्मान कार्ड पुलिस के हाथ लगा है, जिसके पहचान लड़की के तौर पर हुई है। वह अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। सल्ट अल्मोड़ा निवासी एक युवती ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि कुछ मापों की पहचान आंसू से हुई। आंसू के मर्दाना वेश में रहने के कारण वह उसे युवक समझती रही। गदरपुर से खबर आई है, जुताई में लगा ट्रैक्टर पलटा, चालक घायल हो गया। तमंचे के बल पर छुड़ाई ट्रैक्टर ट्रॉली तो वन निगम की टीम ने खनन क्षेत्र बंजारी गेट नंबर द्वितीय में मारा छापा। वहीं खबर है, काशीपुर से महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई तो पति ने बताया पैर फिसलने के कारण हुआ हादसा।